ये सही टाइम है बात करने के लिए? इट्स फाइन। अच्छा मिस्टर रोहन, मैंने आपका ऐड देखा था शादी का, जो आपने मेट्रोमोनल का ऐड दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। बेटा क्या करते हैं आप? जी, आई एम वर्किंग इन एन एनएमसी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा वो जो शादी का आपने ऐड दिया था, मेरे को उस सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। मैं आपको बता दूं हाँ कि मेरा कुछ ये मानना है कि शादी जो है वो माँ बाप हाँ की मर्जी से होनी चाहिए। ठीक ठीक बट मेरे को पहले तो मेरे को ये भी था कि मतलब लड़की हाँ अपनी कास्ट की हो, लेकिन बाद से मैं थोड़ा ओवर हो गया हूँ, सो इट्स ओके यू नो। बट हाँ ये है, माँ बाप को एक बार पता हो, लड़की थोड़ी मॉडर्न हो। अच्छा है, लेकिन मेरे को आपकी जो शादी का ऐड दिया था वो उससे रिलेटेड थोड़ी बात करनी थी। बात तो बन जाएगी, देखिए दोनों, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आदमी उसको समझ ले, मतलब दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी हाँ, तो ज्यादा सही रहेगा। वो सही है, वो तो मैं भी कहता हूँ वो सही है, लेकिन मेरे को जो शादी का ऐड दिया था ना आपने, उससे थोड़ा रिलेटेड बात करनी थी। तो डिसीजन है वो मेरा, मतलब हाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, यार, बट तब भी एक वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी, बार मतलब यू नो मेरे टाइप की लड़की हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो बात होती है, आप समझ नहीं रहे हैं तो ना। वो तो बात तो बन जाएगी, अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी हमारी, तो बात तो बन जाएगी। मेरे को तो इसलिए बात करनी थी आपसे, बात बन जाएगी। लोग अच्छे होंगे और अगर समझ पाएंगे दूसरे से, एक दूसरे को, तो बात क्यों नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फ्रेंड का ही लीजिए, अभी थोड़े टाइम पहले उसने शादी करी, लेकिन अब देखो हुआ क्या उससे, माँ बाप ने करा दी जबरदस्ती। जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ, 5 महीने में तलाक लेकर बैठा हुआ घर पे वो। ओ भगवान। नहीं मैं तो वो तो कहता हूँ भाई, बात जब भी बनती है, जब सारी चीजें सही हो, तो मैं आपसे वो बात करना चाह रहा था जो बात बन जाए हमारी। अगर डोंट माइंड, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मैं मेरा नाम है भूषण, मैं आपसे वो शादी का जो ऐड देखा था उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे थोड़ी सी, अगर बात बन जाए। लोग जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने बना रखे हैं सारे रिश्तों, ये बकवास है। मतलब जैसे जो भी है, मतलब जैसे अगर आपकी बेटी है, ये है कि शादी बस जबरदस्ती से नहीं। नहीं, देखो जबरदस्ती वाली शादियों में तो हम भी नहीं जाते, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जबरदस्ती वाली शादियों में हम भी नहीं जाते। जो भी कराए बट हाँ जबरदस्ती से नहीं ना है। ना ना ना, देखो बात बनती है तो बात आगे करूंगा मैं तो, साफ सी बात ये एक है बार पता मतलब। बात ही होनी चाहिए, एक बार मैं आपकी बेटी से मिल लूं, या ऐसे तो होना चाहिए ना एक बार कि मतलब ऐसे नहीं से मैं ही मिलूं, उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, एक बार वो भी आके मिले, हम लोग बात करें एक दूसरे से, समझना बहुत जरूरी। तो समझो फिर शादी करो, है ना, शादी करो उसके बाद। हाँ हाँ तो बस समझ लो, तो बात बन गई हमारी, बन गई। बात कैसे बन गई? मैं आपको बताता हूँ, हमारा अपना केटरिंग का काम है, रवि भोजनालय, तो मैंने आपकी शादी का जो ऐड देखा, मैंने कहा अभी बुक कर लो केटरिंग के लिए, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था जी ना। हाँ, केटरिंग में मेन्यू बताओ भाई, भाई को मेन्यू मेन्यू दिखा दो इनको। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे आपका रिसेप्शन होता है, पाइनएप्पल रायता, फुल क्रीम मिल्क, दही वाला, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, कटहल के पनीर पकौड़े, वेज में हमने बिरयानी रखी है, नॉन वेज बिरयानी रखी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, स्टार्टर में हम हरियाली कबाब, फिश टिक्का, स्प्रिंग रोल, ये तरह रख रहे हैं। हम एंडर भी रख रहे हैं, एंडर में हम रख रहे हैं दही जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, बादाम मिल्क, और क्योंकि सर्दियां ज्यादा है तो गाजर का हलवा। हमारा जो रवि भोजन कैटरिंग है ये टेंट वाले से टाई अप करता है, तो आपको कोई भी टेंट लगवाना हो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट रवि भोजन कैटरिंग दिल्ली की नंबर वन कैटरिंग, इसमें हम आपको वो भी दे रहे हैं, तंदूरी कबाब होते हैं, सीख से निकालो तंदूर मुंह में डाल, वेलकम ड्रिंक में हम आपको सोडा लेमन मिल्क शेक थम्स अप पेप्सी कोक दे रहे हैं। ये हमारा अपना काम है, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था, वो अगर शादी का मूड है तो। क्या नाम बताया मैंने? तुमने अपना नाम भूषण बताया सर। ठीक है, भाई भाग 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 भ